सो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हमेश और आप देख रहे हैं मेजेस व्लॉग। सो गाइस, आज तुम्हारी 12 जून 2022 और सुबह के बज रहे हैं ठीक 7:30। तो अभी फिलहाल मैं आज का व्लॉग अभी अपलोड नहीं किया, मैंने थोड़ा लेट होगा अपलोड, पर होगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए 365 दिन अपलोड होगा, भले ही थोड़ी देरी हो या कुछ हो, पर अपलोड जरूर होगा। चाहे मैं 12:01 पहले अपलोड करूँ, पर अपलोड जरूर करूँगा, क्योंकि थोड़ा काम कुम के कारण ना सिस्टम सब हो जाता है, एडिटिंग वगैरह हो नहीं पाती। कल रात जैसे कि आप लोगों को पता है, इतनी रात तक पहले हम कूलर ठीक करने में लगे रहे थे और उसके बाद फिर लाइट भी चली जा चुकी थी, तो छत पे सोना पड़ा था हमें, तो फोन भी डिस्चार्ज वगैरह हो गए थे। तो अभी फिलहाल तो आज संडे है और काम भी है थोड़े बहुत, तो धूप आज थोड़ी कम है, कल तो बहुत ज्यादा धूप थी। तो चलते फिलहाल अंदर, देखते क्या क्या हो रहा है और फिर एडिटिंग करके वीडियो भी तो अपलोड करनी चाहिए। सीरियसली गाइस, कल ये गाड़ी धोई हुई थी, आज देखिए आप इसका क्या हाल हो गया। कल रात इतनी गंदी वाली वो चली ना धूल, और कल दिन में 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान जा रहा था, जो कि दिल्ली में कल 38 ऐसा कुछ था। वहाँ से भी कल फिर हम लोग छत पे सोए थे, इतनी ज़्यादा वो हो गया था, मतलब गर्मी लग रही थी नीचे, इतनी आंधी चलने के बाद भी मिट्टी मिट्टी भी हो गई थी, फिर भी ऊपर ही सोए थे। अब इसको धोना पड़ेगा दोबारा से। यहाँ पे हमारी बुआ रेडी हो चुकी है, पता नहीं जैसे शादी में जा रही। सो गाइस, फिर आज अगेन इतने दिनों बाद हमारे घर में मेरे आलू के पराठे। परसों वहाँ पे ढाबे में खाए थे पर उतना उसका स्वाद ही नहीं था, 50 रुपए का एक पराठा था, पर उतना उसका बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। यहाँ पे मैं तीन चार खाता हूँ, वहाँ मैंने एक भी पूरा नहीं खाया था, तो अभी खाएंगे इसे फटाफट, अभी पहले बाहर काम। सो गाइस, फिलहाल हमारा कूलर भी ठीक हो चुका है अभी सुबह सुबह। इसकी जो ये वाली वायर थी ना, ये ख़राब थी, फिर इसको दूसरा बदल के ये वाली लगा रखी है। अभी इसमें वो लगाना है आगे से, मतलब ये यार बनवाना, यहाँ पे जो वो सिस्टम होता है वो चीज़ लगानी है बस। सो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घर में सामान सामून लेके। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि प्रियांशु और योगेश गए थे पीछे कुछ काम, प्रियांशु और गोलू कुछ काम से गए थे, और जब वो वापस आए तो गोलू बाथरूम करने के लिए घर पे आ गया और उसे हम छोड़ के चले गए और सामान लेके आए, तो एक घंटा आधा घंटा वहाँ पे वो वेस्ट हो गया। तो इसलिए फिर वो सामान लेने में, मतलब वेस्ट नहीं हुआ, फिर वो यहाँ पे घूमता रहा और अभी जाके थोड़ी देर पहले मिला था, फिर उसे लेके चले गए। तो फिर मैं लस्सी वगैरह लेके दोबारा से घर पे आ चुका हूँ, और ये अपना आराम से फिजिक्स किस चीज़ का काम कर रहा है, केमिस्ट्री का काम कर रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर बैठ के अपना काम करता हूँ, यानी यूट्यूब स्टूडियो वगैरह में कुछ चेक वगैरह कर लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं आप नहीं करते, तो ऐसे कर दिया करो यार, कुछ बुराई नहीं है। चलो ठीक है। सो गाइस, फिर अगेन हम लोग जा रहे हैं बरवाला की ओर, आज शायद पैदल जाना पक्का था, वरना हम सुबह ही पैदल चले जाते जब हमें राशन लेना था, पर अभी दोबारा जा रहे हैं कुछ स्टेशनरी वगैरह लेनी थी दुकान से। तो चलते मैं और करण जा रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों ने, वैसे मैं शायद अच्छी तरह से बताया नहीं कि ये करण और अभी हमारे घर पर आए हुए थे दिल्ली से, तो फिर अभी यहीं पर 2-3 दिन तक, तो इसलिए अभी चलते फिलहाल। और बाकी मम्मी दादी और तो गए हुए कैंटीन, देख लो कब तक आते हैं क्या क्या लेकर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस फिलहाल हमने सामान वगैरह तो ले लिया बरवाले में, पानी की ठंडे पानी की सर्विस शुरू होने वाली है, वो भी थोड़ी देर बाद शुरू होगी। और अभी धूप ऐसी खतरनाक तेज लग रही है ना, क्या बताऊँ आपको, मैं थोड़े से ही चले सिर में ना यहाँ पे दर्द सा होने लग गया अजीब सा। तो चल, तो गाइस फिलहाल हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं और गोला और सब लोग आ चुके हैं, पानी दिए भाई यहाँ पर। 6.5 hours later. तो फिलहाल बच चुके शाम के पूरे 6:30 और हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, और फिलहाल ये गाड़ी वगैरह भी साफ़ हो चुकी है, सुबह जितनी गंदी थी उस हिसाब से तो हो ही गई है, फिर भी थोड़ी बहुत रहेगी। तो फिलहाल अभी हमें जाना है माड़ी पे, किसी की भेंट चढ़ानी थी, तो वो चढ़ा के उसकी मन्नत पूरी करने के लिए, तो चलते फिर फिलहाल उधर ही मिलते हैं आपसे। सो गाइस, ये देखिए आप, ये 1 रुपये का नोट हमें आज मिला हुआ है, नोट बहुत ज़्यादा पुराना है, 2013 के आसपास का ये नोट है, और अब तो ये शायद ही नोट किसी के पास होगा, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है, इसके अंदर गांधी का निशान नहीं है, सिर्फ ये हमारे पास है और इकलौता नोट। इसमें 1 रुपये का जो सिक्का होता है ना, वो भी बना हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? हाँ, ये रहा 1 रुपये का सिक्का। तो फिर फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, फिर अभी हम लोग मंदिर में जाने के बाद अब थोड़ा घूम फिर रहे हैं, करण कहता चलो घूम लेते हैं, मगर चल ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था लास्ट बार, तो यहाँ पे मक्की थी, अब वो भी ख़त्म होगी, पर ये सरसों अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई यार, हद है भाई। सरसों नहीं है, सूरजमुखी। या सॉरी सूरजमुखी, मैं 101% बोल सकता हूँ, लोग सोच रहे होंगे ये बात स्क्रिप्टेड है, पर ये अपने आप मुँह से निकली, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मेरा सूरजमुखी मुँह से नहीं निकलता, सरसों ही निकलता है हमेशा। अब बाकी तो आप लोगों के ऊपर है क्या समझो, मैं पर सच कह रहा हूँ, ये मुँह से निकली मेरे, मैं जानबूझ के नहीं बोलता, गलती से मिस्टेक हो गई हमसे। इस खेत में भी सार, यहाँ पे जितने भी आपको खेत दिख रहे हैं दूर दूर तक, लगभग सभी में कटाई हो चुकी है और गुड़ाई भी, मतलब इसको खोद भी चुके हैं अच्छी तरह से। और जो सामने आपको ग्रीनरी दिख रहा है, एक वहाँ पे और एक वहाँ पे, वो है धान की जो बीज होता है ना, वो बोरख है, अब उसको वहाँ से निकाल लेंगे और इन खेतों में बोएंगे जगह जगह,
अभी कुछ टाइम पे शायद इसी महीने हो जाएगा वो काम शुरू। फिर इसको बोएंगे ना, उसके बाद जो अलग अलग जगह जगह जो ट्यूबवेल लगे हैं, ये यहाँ पे, ये तो ट्यूबवेल नहीं छोटे वाला है, ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े भी कई जगह ट्यूबवेल होते हैं, वो भी चलेंगे, फिर उसमें नहाएंगे। मजे से उसमें नहाने में जो मज़ा आता है ना, क्या ही बताऊँ। अभी फ़िलहाल वहाँ पे सूरज ना सॉरी वहाँ पे सूरज और वहाँ पे चाँद अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे आपस में, पर हो चुके हैं, तो ये लोग आगे जा चुके, मैं भी फटाफट चलता हूँ। चलिए शुरू हो चुके रात के बुरे 8 और भगवान की दया से सब लोग बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, तीनों के तीन जने, और आई एम इनविजिलेटर राइट नाउ। तो फिर फिलहाल अभी थोड़ी देर इन्हें पढ़ाते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। क्या ट्विटर नहीं इनविजिलेटर ट्विटर। फिर अभी चलते हैं और थोड़ी देर इन्हें पढ़ाते पढ़ते हैं। चलिए सो गाइस शुरू हो चुके रात के पूरे 9 और जल्दी खाना खा चुके हैं और अब सोने का टाइम है। फिलहाल ये लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फिर मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ तब तक। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो कल सुबह सोमवार है तो कल मैं जाऊँगा दोबारा सेंटर पे इतने दिनों बाद, तो देखते हैं फिर क्या होता है वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।